कि ये जो चैटबॉट का ऑनलाइन कोर्स मैंने अनाउंस किया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको इसमें इनरोल करना चाहिए? ये मेरे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं लोगों के, और प्लीज़ लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जो सवालात पूछते हैं आप पर्सनल में ना पूछा करें। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, पब्लिक में आप कर सकते हैं वो बात, तो प्लीज़ वो व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर यहाँ पे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, ताकि वो, क्योंकि और भी लोगों के वो सवालात होते हैं, तो मैं एक को हेल्प करूँगा तो बाकी लोगों को भी उसका जवाब पता चल जाएगा। अच्छा, तो पाँच ऐसे लोग हैं, ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, पाँच ऐसे लोग हैं जो इस कोर्स में जिनको एनरोल करना चाहिए। अच्छा, जल्दी से मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। नंबर वन, फीमेल्स या हाउसवाइफ्स, फ्रेश ग्रेजुएट या फ्रेश जिन्होंने अभी मैट्रिक वगैरह किया है, स्टूडेंट्स हैं, जो डेवलपर्स जो एग्जिस्टिंग पहले से डेवलपर हैं, कंपनी ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो खुद की कंपनी रन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट अपनी है उनकी, और फ्री पीपल जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब एक एक करके मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों ये सारी बातें कही हैं। और सबसे पहले तो फीमेल्स एंड हाउसवाइफ्स, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर की फील्ड में ख़वातीन की बड़ी कमी है। हालांकि अगर सही मानों में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा बेहतर फील्ड ख़वातीन के लिए हो ही नहीं सकती, जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर में बैठ के आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, और उसके अलावा लर्निंग भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको एक अदद लैपटॉप चाहिए होता है, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होता है, और कुछ भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। आप बहुत आसानी के साथ इसको घर में बैठ के अपने सीख सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट अब जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ ही ऑनलाइन हो चुका है। दुनिया भर के आप यूट्यूब पे और यूडेमी पे मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स मौजूद हैं। मैं ये बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि मैं ही सिखाऊँ, आप कहीं से भी जाकर सीखें, ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, वॉइस कंप्यूटिंग, क्योंकि ये बातें करने की मशीन है, कि एक कंप्यूटर को ये सिखाया जाए कि वो बातें कैसे करता है, तो ख़वातीन से अच्छा बातें करना तो किसी को भी नहीं आता, तो ख़वातीन के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल के स्टूडेंट हों आप, या आप ग्रेजुएट कर चुके हों, या आप हाउसवाइफ हों, ये तमाम ख़वातीन के लिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बिल्कुल नई फील्ड है, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। तो ख़वातीन को इस फील्ड में मैं वेलकम करूँगा, कि वो, उनसे रिक्वेस्ट मेरी रहेगी बल्कि, कि वो प्लीज़ इस फील्ड को ज्वाइन करें, किसी भी उसमें, चाहे आप वेब डेवलपमेंट पे करें, चाहे आप वॉइस एप्लीकेशन में, चाहे एआई में, किसी में भी करें आप घर में रहते हुए आप अपना घर भी संभालते रहें साथ साथ, और 4 घंटे निकाल के शाम के वक्त आप फ्रीलांसिंग करें, इतने पैसे कमा लेंगे आप कि आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने खर्चे सारे खुद ही पूरे कर पाएंगे। अच्छा, नंबर दो मैंने कहा फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो लोग कंप्यूटर साइंस में आ चुके हैं, आपको जैसा कि सब लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी पढ़ाती पढ़ाती तो कुछ है नहीं, बेवकूफ़ी की बात है, और कुछ तो कोर्स का भी प्रॉब्लम है कि कोर्स है ही आउटडेटेड, तो अगर वो सही तरह पढ़ा भी दें तो उससे होता ही है कि बच्चा पूरा कोर्स पढ़ तो लेता है, उसको थ्योरी सारी आ जाती है, बेसिक नॉलेज सारी उसको पता चल जाती है, लेकिन मसला ये वो किसी काम करने के काबिल नहीं होता। तो अब जाहिर है, थ्योरी पढ़ के तो काम नहीं होता, काम तो प्रैक्टिकल हाथ से करने से होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ऐसी फील्ड है, इसकी मिसाल मैं अक्सर लोगों को देता हूँ स्विमिंग से, कि स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग की मोटी मोटी बुकें पढ़ते रहें, और क्या कहते हैं, आपने एक साल तक एक बुक पढ़ी, चार पांच बुकें पढ़ ली, एक साल बाद उठा के आपको अगर समुंदर में फेंक दिया जाए, तो आप बहुत समझदार हैं सारे लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप प्लीज़ ये सोच के बताएं कि क्या वो बंदा तैर पाएगा समुंदर में? इम्पॉसिबल बात है, डूब जाएगा वो। तो अगर स्विमिंग आपको सीखनी है, तो उसके लिए करना ये होगा आपको कि पहले ही दिन से आप बुक तो पढ़ते जाएं थोड़ा थोड़ा, और साथ में हाथ पैर भी मारें। तो अब देखें, जो हो गया वो तो हो गया, अब जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहे वो, अब उनको इस तरह के कोर्सेज की ज़रूरत है कि वो उसको कुछ सिखा दे, तो उनके लिए ये कोर्स है। प्लीज़ आप इनरोल करें इस कोर्स में, ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ सीख सकें कि फ़ौरी तौर पे आपको जॉब मिले मार्केट में। और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक जिन्होंने किया है या 8 9 क्लास में, उनको मैं, वो भी फ्रेश में काउंट करूँगा, उनको मैं रेकमेंड करूँगा वो ज्वाइन करें ये कोर्स। उसका रीज़न ये है कि प्रोग्रामिंग सीखने की जो सही उम्र है, वो आपकी मैट्रिक वाली और 9 8 9 वाली जो उम्र है ना, वो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेस्ट उम्र है। उस वक्त से अगर आप सीखना शुरू करते हैं, तो जब आप
तीन चार साल बाद जब आप यूनिवर्सिटी वाले लेवल पर आएंगे तो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा वो बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ होगा। तो इस कोर्स में चूंकि हम बेसिक प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की कवर कर रहे हैं, तो मैं मैट्रिक वाले बच्चों को भी कहूँगा कि वो प्लीज़ इनरोल करें, अगर वो कैपेबल हैं इतने तो वो प्लीज़ इनरोल करें। अच्छा, नंबर थ्री, डेवलपर्स। ये मैं उन डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ जो वेब डेवलपर्स हैं, जो एंड्रॉयड के डेवलपर्स हैं, जो आईफोन की एप्स बना रहे हैं, जो सर्वर के डेवलपर्स हैं, क्योंकि ये एक नई तरह की दुनिया है। आप अभी मेटावर्स जाके देखें, इवेंट जो फेसबुक ने किया था, उसमें सारा वॉइस का तो है ही है, वॉइस तो कहीं नहीं जा रहा। मेटावर्स पे लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मेटावर्स आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शुरू में फ़ेल हो जाएगा, फिर 10 साल बाद दोबारा आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार वो तो उसमें $10 बिलियन लगा चुके हैं और डिवाइसेस आने वाली हैं उसकी, तो वो 2 साल के बाद आप मेटावर्स में वेब 3.0 की बातें हो रही हैं। तो ये वो पॉइंट है तमाम डेवलपर्स के लिए, ये वॉइस एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट है आपके लिए, मेटावर्स की दुनिया के अंदर आपका एंट्री पॉइंट है ये। अगर ये आप अभी नहीं सीखेंगे तो मेटावर्स जब आएगा वेब 3.0 तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से, क्योंकि दुनिया मूव कर रही है मेटावर्स पे। अब जो वेबसाइट इस वक्त हम खोलते हैं 2D में खुलती है वेबसाइट, ये वेबसाइट भी 3D में खुलेगी। React 360 का भी कल जिक्र हो रहा था, एक दोस्त से गुफ्तगू चल रही थी तो React 360 का जिक्र हो रहा था, तो प्लीज़ वो भी आप चेक करें जाके कि वो क्या चीज़ है। तो जितने भी डेवलपर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ ये कोर्स ज्वाइन करें और वॉइस एप्लीकेशन को आप एटलीस्ट समझें कि वो है क्या चीज़, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी मोबाइल ऐप हैं आपसे आपके कस्टमर ये डिमांड करेंगे कि मुझे मोबाइल ऐप के अंदर एक चैट बॉट भी चाहिए छोटा सा, कि जो फूड ऑर्डरिंग की ऐप है मिसाल के तौर पे, या कोई भी किस्म की ऐप है, तो उसमें बंदा ऐप में ऑर्डर करे और साथ साथ चैट बॉट से बात करके भी ऑर्डर कर सके। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइस एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि इसकी बहुत मैसिव किस्म की डिमांड आने वाली है, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, कंपनी ऑनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, इनसे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इनरोल करें। अच्छा, ज़ाहिर है एक तो बेसिक पढ़ाई होगी, वो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि वॉइस एप्लीकेशन क्या होती है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स का जो जहन होता है ना, वो आम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ काम करता है, थोड़ा वो दूसरे अंदाज से सोचते हैं। तो इससे दो दो फायदे होंगे अगर इसमें एंटरप्रेन्योर्स और कंपनी के ऑनर्स जो हैं, बिजनेस ऑनर्स अगर इसमें इनरोल होते हैं, उनको दो फायदे होंगे और पाकिस्तान को भी, ये दोनों मैं जिक्र कर रहा हूँ। नंबर एक, उनको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ उनको आएंगे जो वॉइस एप्लीकेशन के ज़रिए बनाए जा सकते हैं, वो ट्रेडिशनल ऐप में पॉसिबल नहीं है, और इस वक्त वॉइस एप्लीकेशन का मैदान बिल्कुल खाली है। आप ज़रा सा भी अगर दिमाग लगा लें और ज़रा सी मेहनत कर लें तो आप इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर वॉइस की क्या कैपेबिलिटी आप डाल सकते हैं, ये आपको इस कोर्स करने के बाद समझ आ जाएगा। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात जो दो फायदे मैंने जिक्र किया, दूसरी बात ये कि इस कोर्स में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इनरोल हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इसके लोग इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। जो भी बिज़नेस ऑनर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, इसके लोग मार्केट में मौजूद नहीं है, या जो सॉफ्टवेयर हाउस अपना रन कर रहे हैं उनसे भी मुखातिब हूँ। तो अगर आपको वॉइस एप्लीकेशन का डेवलपर हायर करना है तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। आप इस कोर्स में इनरोल हो जाएं, खामोशी से पढ़ते रहें साथ साथ, और आपको पता चलता रहेगा कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। ज़ाहिर है मैं असाइनमेंट्स दूंगा, वो आपको कॉन्फिडेंस भी पता चलेगा लोगों का, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, तो आप उनको हायर कर सकते हैं। अच्छा, और उनको शायद आपको इतने ज़्यादा पैसे भी ना देने पड़े क्योंकि वो फ्रेश हैं। आप उनको हायर करेंगे, उनका फ़ायदा ये होगा कि उनको एक्सपीरियंस मिलेगा आपके पास से, आपका फ़ायदा ये होगा आपको कम पैसे में डेवलपर मिल जाएगा। अच्छा, तो ये आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है बहुत आसानी के साथ, और ज़ाहिर है आप जब एक क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं खुद एक कंपनी रन कर रहा हूँ, मुझे लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे ये दर्द पता है कि हायरिंग में जो दर्द होता है वो क्या होता है। लोगों को टेक्निकल आप टेस्ट दे के चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका मिजाज कैसा है वो तो आपको पता चल ही नहीं सकता, वो तो जब ही पता चलेगा जब उससे लड़ाई होगी आपकी जब जब आपकी कोई बात उसको बुरी लगेगी तो फिर वो अपना रंग दिखाएगा। तो ये ह्यूमन फैक्टर, मैं इससे बड़ा मुझे ये बड़ा वो होता है, ह्यूमन फैक्टर मेरे समझ में नहीं आता, अभी तक नहीं आता मेरे, कि लोगों को टेक्निकल तो हैं लोग मौजूद मार्केट में, जो दूसरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ इसकी नहीं कर रहा, तो
तो लेकिन उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका ह्यूमन बिहेवियर, ये वो चीज़ें हैं जो आप इंटरव्यू, चार इंटरव्यू, पांच इंटरव्यू भी कर लेना तो आप ये चीज़ नहीं पहुंच सकते। तो इस कोर्स में जब आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें भी पता चलती रहेंगी। तो ये कंपनी ऑनर और एंटरप्रेन्योर्स की बात हो गई। सबसे आखिर में फ्री पीपल, जो जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गए, उनको कुछ जो करते हैं सब उल्टा हो जाता है, सब ख़राब हो जाता है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, ज़िंदगी में भाई किसी के साथ अच्छा तो हो नहीं रहा, बुरा ही हो रहा है सबके साथ। एक बड़ा वो फ़िलासफ़र है, आप गूगल कीजिएगा, पता चलेगा आपको। एक वो फ़िलासफ़र है, मैं नाम भूल गया उनका, किसी को अगर पता है तो वो कमेंट में बताए। वो उनका ये ख्याल है कि दुनिया में गम ही गम है सिर्फ, ये दुनिया में कोई खुशी की बात हो नहीं रही है दरअसल, तो दुनिया में गम ही गम है सिर्फ। और जो थोड़े समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं उसको, और जो थोड़ी जिनकी अकल कम होती है मेरी तरह, जिनकी अकल थोड़ी कम होती है, तो वो खुश रहते हैं, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजर रही होती है उनकी, उनको पता ही नहीं चलता। तो जो थोड़े समझदार लोग होते हैं वो गमगीन रहते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब को आप उनकी ज़िंदगी देखें, ज़िंदगी भर गम ही गम मिले उनको। और क्या कहते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में गम ही गम है तो वो सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा आपको। लेकिन आप उसका करें क्या, कुछ कर सकते हैं? कुछ करना होता तो फिर सबको बताएं कि यार ये कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी कोर्स में इनरोल हो जाएं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक चांस और दें। ट्राई कर सकता है इंसान, ट्राई के अलावा कोई ऑप्शन अगर है तो फिर वो बताएं, कि ट्राई करने से ही होता है। अब बैठे बैठे घर में टाइम पास करना, ख़ुद को कोसना कि यार मैं तो जो करता हूँ ऐसा हो जाता है, उससे क्या फ़ायदा? तो एक ट्राई ज़रूर दें। और ये नई टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं होगा तो एंटरटेनमेंट तो होगी ना। ओके गूगल खेलेंगे बैठ के, अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब ये फ़ोन पे आप ये प्रेस करें, टेल मी अ जोक। This one's for the kids. What's big and red and wiggles in the sky? A jellycopter. एंटरटेनमेंट तो लगी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा तो एंटरटेनमेंट तो होगी। तो हम इंशाल्लाह कोर्स में, चूंकि ये वाला जो फैक्टर है, एक नाउम्मीदी का जो फैक्टर, वैसे तो मुसलमान कभी नाउम्मीद होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदी वाला फैक्टर बहुत सारे लोगों में देखता हूँ मैं अपने इर्द गिर्द। लोग बड़े डिमोटिवेटेड हैं, मुख्तलिफ वजहों की, मुख्तलिफ उसकी वजूहत हैं। बहुत सारे तो हमारे जो बड़े हैं वो, उनका काम एक तो है डिमोटिवेट करना सिर्फ। मोटिवेट मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी बड़े को ना करते हुए, कि यार अपने नई जनरेशन को डिमोटिवेट करने के अलावा कुछ मैंने करते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि यार हम तो तुम्हारे टाइम पे हम ये कर लेते थे, तुम देखो क्या कर रहे हो। हम इतने बड़े थे तो हम तो पता नहीं क्या हमने पहाड़ तोड़ लिए थे, और तुमसे कुछ हो नहीं रहा। तो वो उनका तो काम ही डिमोटिवेट करना है, ठीक है ना? तो ये डिमोटिवेशन हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं इंजेक्ट की जाती है बचपन से। तो अगर कोई डिमोटिवेटेड है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, हो भी सकता है बाय द वे, लेकिन इन जनरल आमतौर पे आपका कसूर नहीं होता, डिमोटिवेशन आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है। अच्छा, फिर रिश्तेदार हमारे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कहीं पे आप जॉब में, ऑफिस में आप बैठे हो कहीं, वहाँ पे अलग पॉलिटिक्स चल रही है, घरों में अलग पॉलिटिक्स चला रहे हैं लोग। तो इस कोर्स में मैं इस चीज़ का भी खास ख्याल रखूँगा कि आपको मोटिवेट भी करता रहूँ साथ साथ, जो इसमें सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, और थोड़ी हम अच्छी बातें करेंगे साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह, और सख्त मेहनत करेंगे। आज से आप ये अज़म करें कि हम सख्त मेहनत करेंगे, और पाकिस्तान के लिए हमें कुछ करना है, हमें सबसे पहले तो अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए पैसे कमाने हैं। देखिए, मुसलमान कभी गरीब नहीं होता। बहुत सारे लोग ये भी आपको बेवकूफ़ी की बात करेंगे आपसे कि यार इतने पैसे कमा के क्या करना है। तो आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आप गूगल कीजिएगा, अशरा मुबशरा में से एक सहाबी हैं, उस्मान बिन औफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर प्लीज़ कमेंट में। आप उनके बारे में पढ़ें, इतना पैसा था उनके पास कि जब उनकी वफ़ात हुई तो पता नहीं कितने मिलियन उन्होंने दिनार छोड़े। अभी आप कैलकुलेट करें ना, तो ये जेफ बिजोस और ये स्टीव जॉब और ये सारे पीछे छोड़ दिए उन्होंने उस टाइम पे। तो मुसलमान पैसे वाला होता है भाई, पैसे वाला होगा तो हज करेगा ना जाके, पैसे वाला होगा तो लोगों की मदद करेगा, सदका खैरात करेगा, और पैसे वाला होगा तो मस्जिदें बनवाएगा। तो अगर खुद ही गरीब होगा तो फिर तो लोगों से मांगता ही रहेगा। तो आप ने खुद भी
तजारत की है आपको, जैसा कि सब लोगों को पता है। तो भाई पैसे कमाने में कौन से, हाँ लेकिन हलाल होने चाहिए, ये नहीं कि आप शॉर्टकट के चक्कर में कहीं और ही निकल गए। तो अल्लामा इकबाल का एक वो शेर है, टीपू सुल्तान की वसीयत, वो आप पढ़िएगा, उसमें वो कहते हैं कि लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, कि आपको अगर कोई डब्बे में लैला भी बंद करके दे ना, मिठाई के डब्बे में जो नोट बंद करके ले जाते हैं उसकी बात हुई, तो वो कह रहे हैं आपको अगर मिठाई के डब्बे में नोटों की जगह लैला भी बंद करके, तो आपको वो डब्बा नहीं लेना, ठीक है, आपको हलाल कमाना है। तो हलाल के पैसे हों जितने भी हों, उसमें आपको इस्लाम ने बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं रोका कि आप पैसे कमाएं। तो सख्त मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, सबसे पहले खुद अपने लिए कमाना है, और फिर अपने घर वालों के लिए, और फिर अपने पाकिस्तान के लिए, और दूसरे लोगों के लिए कमाना है आपको। तो क्योंकि जब आप पैसे कमाते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कमाते, आप ज़ाहिर है दूसरे लोगों के लिए रोज़गार के मौाक़े पैदा करते हैं, आपकी वजह से कई ख़ानदान, कई चूल्हे आपकी वजह से जलते हैं। तो आप शुरू से दिन से ही नीयत करें, सवाब की नीयत करें, तो आपका ये पैसा कमाना भी सवाब होगा। अच्छा, और फिर जब पैसे आ जाएं तो आपको अकड़ के चलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खामोशी से बिल्कुल धीमे रह के चलें, कोई अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक अगर आपको दे के आज़मा रहा है, किसी से ले के आज़मा रहा है, तो आपको दे के आज़मा रहा है। तो ये भी एक एग्ज़ाम होता है पैसा, पैसा आने से आपकी असलियत निकल के आती है। तो प्लीज़ जब अभी से ही आप नियत करें कि आपके पास जब पैसे आएंगे तो आप अकड़ के नहीं चलेंगे। चलें जी, मेरे ख्याल है इनफ बातें हो गई हैं, 15 मिनट तकरीबन बातें कर ली मैंने। तो अगर किसी के कोई सवाल आते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट में करें। अच्छा, इस कोर्स का जो आउटलाइन है वो मैंने शेयर किया है इस ग्रुप, इस पोस्ट की लिंक में भी मैं लगा दूंगा कोर्स आउटलाइन, वो प्लीज़ आप देखें कि क्या हम चीज़ें कवर कर रहे हैं उसके अंदर, और किस तरह से इनरोल करना है वो भी कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है। ईजी पैसा का नंबर आपको दिया गया है, उसके ऊपर आप पेमेंट करें, और पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है, रसीद है पेमेंट की, वो आप व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें एक बताया गया है कोर्स आउटलाइन के डॉक्यूमेंट में, उसमें आप शेयर जैसे ही करेंगे तो आप उस कोर्स में ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे। और 30 नवंबर को पहली जो क्लास है हमारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब लोगों के लिए, और उसमें भी अवेयरनेस से रिलेटेड बातें होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है वॉइस एप्लीकेशन के हवाले से, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और क्या हिस्ट्री है, कैसे वॉइस एप्लीकेशन शुरू हुई है, पहली दफ़ा कब हुआ ये, और आगे ये अब कहाँ किस तरफ जा रही है कहानी, ये सारी बातें हम जो है 30 नवंबर की क्लास में डिस्कस करेंगे रात को 8 बजे, और इसी जगह पर लाइव सेशन के ज़रिए वो क्लास की जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी 30 नवंबर रात 8 बजे।